देश में कोरोना के संक्रमण के मामले 12 लाख के पार हो गए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने दी गई छूट को वापस लेना भी शुरू कर दिया। तो वहीं झारखंड में मास्क ना पहनना, 6 फीट की दूरी ना रखना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब जुर्म होगा और ऐसे लोगों पर सरकार बिल्कुल सख्ती के मूड में है। इसलिए अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल सख्ती के मूड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 2 वर्ष की सजा या 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में अब तक कोई कानून नहीं था जिसके तहत किसी बीमारी को सरकार संक्रामक रोग घोषित कर सकती थी। कोरोना संक्रमण के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर दंडित करने का भी कानून नहीं था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा। वहीं बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान और सख्ती बरतने पर भी सहमति बनी है, लेकिन लॉकडाउन पर अंतिम फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया। अब सीएम जिलों से संक्रमण की रिपोर्ट लेने के बाद ही कुछ फैसला लेंगे। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।